रेटिनो ए 0.5%। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली एक रिव्यू मैं करूंगी रेटिनो ए 0.5% का। ये दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। रेटिनो क्रीम भी कह सकते हो, रेटिनो क्रीम भी कह सकते हो, 0.5% भी आते हैं, 0.2% भी आती है। मैंने इसका बहुत नाम सुना था एंड तब भी मैंने इसे यूज़ करके देखा है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे 5 महीने, 4.5 से 5 महीने हो गए मुझे मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे क्या फ़ायदा मिला, मुझे क्या नुकसान मिला, क्योंकि मैंने इसका बहुत सारा नाम सुना एंड बड़े बड़े क्रिएटर ने भी इनके बारे में बताया था कि इसको लगाने से ऐसे होता है, वैसे होता है, आपकी झुर्रियाँ दूर होती है, यानी फाइनलर वगैरह ये दूर होती है, ब्लैक हेड्स दूर होते हैं, व्हाइट हेड्स दूर होते हैं, आपकी स्किन बेबी स्किन सी हो जाती है, काफ़ी अच्छी है ये क्रीम, इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। तो बड़े बड़े क्रिएटर्स से ही मैंने ये सुना है। हाँ, आप सभी भी शायद उनका चैनल देखते होंगे। मतलब रेगुलर बेस पे भी इसे यूज़ करना चाहिए, डेली इसे यूज़ करना चाहिए, आप अपनी लाइफ का इसे पार्ट बना लीजिए, ऐसे भी मैंने सुना है। ओके, इससे ब्लैक हेड्स दूर होते हैं, व्हाइट हेड्स दूर होते हैं एंड इसे एक्ने पिंपल्स वगैरह दूर होते हैं और फाइन लाइंस वगैरह दूर होती है, झाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, वो दूर होती है। बट मैंने इसे 4.5 से 5 महीने यूज़ किया, मेरे फेस पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, फाइन लाइन तो वगैरह नहीं है। खैर, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं है, ब्लैक हेड्स थोड़े बहुत है नोज पे, बट मैं थोड़ा DIY से उसे कंट्रोल कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ। ब्लैक हेड्स थोड़े बहुत थे उस समय, मैंने कुछ और भी यूज़ नहीं किया। ओके, क्योंकि मुझे देखना था कि इससे ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव होते हैं क्या, नहीं हो, एंड स्किन ग्लो करती है, स्किन क्या करती है, इसलिए यार मैंने भी इसे यूज़ किया। बट मैं इसे, वैसे तो मैं 1 महीने बाद शायद छोड़ देती, बट मैं इसे छोड़ नहीं पाई। 4.5 महीने मैंने इसे यूज़ करा, क्योंकि मुझे आपको एक तो अपना फुल एक्सपीरियंस देना था कि इतने महीने भी यूज़ करने के बाद मेरे इसके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है। रेटिनो ए 0.5% प्राइस आप सभी को पता होगा अगर आप देख भी रहे हो तो। गाइज, ये 220 रुपीज़ की है, लाइफ इसकी 2 ईयर की है। इसे यूज़ कैसे करते हैं शायद आपने काफ़ी सारी वीडियो में देखी, क्योंकि ये कोई आज का प्रोडक्ट नहीं है, बहुत इसके बहुत सारे रिव्यू भी है, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाली इस पर। बस मुझ पर क्या फ़र्क पड़ा है ये सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी एंड इसको लगाना कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पी साइज में आपको लेनी है, पूरे फेस पे इसको लगा लेना, ऐसे नहीं भर भर के लगाना है, ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सा लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में और अपने पूरे फेस पे, नेक पे, जहाँ पे आप लगाना चाहते हो वहाँ पे आप लगा सकते हो। बट अब मुझे क्या फ़र्क पड़ा, यानी 4 से 5 दिन में तो स्किन निकलना शुरू हो जाती है। वो सभी को आपको पता है कि रेटिनो ए लगाओगे, रेटिनो ए यानी विटामिन ए, अगर आप ये क्रीम यूज़ करोगे तो आपको स्किन तो निकलेगी, ओके, स्किन पील होगी। तो वो मेरी निकली थी, मुझे नॉर्मल लगा स्किन पील हो रही है, ठीक है, मुझे लगा पील होके फिर ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद में ग्लो आएगा, फिर थोड़ा फेस पे दाग धब्बे हैं वो दूर जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ डर नहीं लगा, मुझे पता था ऐसा होगा इसके साथ में अगर मैं ये यूज़ करूँगी तो, पील होना शुरू हो गई। मैं क्या करती, रात में लगा लेती एंड सुबह फिर अपने फेस को वॉश करती हूँ, पीलिंग जो है निकल जाती थी, जो पील हुआ था वो निकल जाती थी। उसके बाद में आप मेकअप वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते, तो मुझे लगा सिर्फ 1 महीने तक मेकअप वगैरह कुछ यूज़ नहीं करें, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। मुझे लगा 1 महीने तक कोई बात नहीं, 1 महीने तक कोई भी मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करें, क्योंकि मेकअप करेंगे पील स्किन पर तो क्या होगा, वो फिर ऐसे अजीब अजीब सा लगेगा, वो मेकअप ही नहीं लगेगा, कितना भद्दा लगेगा, आप सभी को पता होगा। फिर मैंने कोई मेकअप भी यूज़ नहीं किया था। अगर आप सुबह निकलते हो, दोपहर में निकलते हो, तो आपको सनसेट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अगर आप लगा रहे हो तो आपको अपनी फेस की केयर करनी पड़ेगी। बट मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ इसके साथ में, मैंने 15 दिन लगाया, पील हुआ, पील काफ़ी हो रहा था, ओके, ये मैंने लगाती गई, पीलिंग होता गया, डेली लगाती थी, डेली पीलिंग होती थी, एक भी दिन ऐसा नहीं गया इन 4.5 महीनों में कि पीलिंग ना हो, हुई हो। अभी भी मैं लगा लूंगी तब भी इससे पीलिंग ही होगी। आपको ये लग रहा हो कि 15 से 20 दिन पील होगी फिर उसके बाद में स्किन अच्छी होती चली जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, जितनी बार लगाओगे उतनी बार ही पील होगी, चाहे आप 4 महीने लगा लो, 6 महीने लगा लो, इससे स्किन पील ही होगी, स्किन निकलेगी ही, क्योंकि इसका काम ही है, विटामिन ई का काम है स्किन को निकालना। यानी हम इसको सिर्फ इसलिए यूज़ कर सकते कि हमारे स्किन बहुत सारे दाग धब्बे, मैं ये नहीं कहूँगी बेकार है ये क्रीम, अपने फेस की स्किन के निकालना चाहते हैं एक लेयर, आप फिर ये रेटिनो ए यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसे यूज़ करेंगे एंड आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी, आपकी स्किन से झुर्रियाँ वगैरह ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इससे झुर्रियाँ दूर होगी या फिर आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, बस आपकी ही स्किन का कलर आएगा, जो आपकी नीचे की स्किन है, जो आपकी मतलब ऊपर की जैसे हम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है स्किन, उसकी वजह से नीचे तो आपकी एक फ्रेश स्किन होगी ना, वो फ्रेश स्किन निकलेगी, ये नहीं कि आपकी स्किन को फ्रेश कर देगा, अच्छा लुक देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। विटामिन ए है कि आप इसे लगाते चले जाओगे तो आपकी तो स्किन निकलते चलेगी, निकलते चले जाएगी और आपकी स्किन जो है, आपका चेहरा जो है भद्दा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो मैंने लगाया, काफ़ी चेहरा भद्दा हो गया था, ख़राब हो गया था,
तो फिर तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है थोड़ा टाइम बाद में ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम बाद में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक मैंने लगाया है इसको तब तक मेरी स्किन पे ही हुई है। और हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि आप अगर इसे यूज़ करना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, मेरे हिसाब से आप अगर यूज़ करोगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी रहेगी, बट अपनी स्किन की एक लेयर निकालने के लिए। ओके, आप इसे एक से डेढ़ महीने यूज़ कीजिए, एंड क्योंकि चेहरा तो काफ़ी ख़राब होगा, तो अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको ये प्रॉब्लम झेल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप थोड़ा ढक लोगे फेस, ओके आजकल मास्क से खैर थोड़ा बहुत ढक जाता है, तो इसी वजह से मैंने भी यूज़ कर लिया था कि एकदम नॉर्मल फेस पे जब कुछ भी मतलब हम ऐसे निकलते हैं तब निकले कोई इसको मतलब यूज़ कर रहे हो तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ओके, सही नहीं होने वाला, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बट धीरे धीरे करके आपको लगता है कि आपकी स्किन की एक लेयर निकल गई है तो आप फिर इसे छोड़ सकते हो, धीरे धीरे करके दो दो दिन का गैप करके, चार चार दिन का गैप करके आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद में अपनी स्किन की अच्छी से केयर कीजिए। विटामिन सी आप अपनी फेस पे लगाइए, उससे बहुत अच्छी स्किन चमक के निकलेगी। ओके, विटामिन सी की काफ़ी सारी क्रीमें आती हैं, या फिर आप विटामिन सी यार ऑरेंज का सिरम बना सकते हो। ये क्रीम यूज़ करने के बाद में आप विटामिन सी यूज़ कीजिए, यानी आप ऑरेंज की कोई क्रीम बना सकते हो, लेमन की कोई क्रीम बना सकते हो, खुद घर पे ही बना सकते हो, बाहर से नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, घर पे ही बना सकते हो, वो तो बिल्कुल नॉर्मली होगी ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाती है, क्योंकि आपकी एक लेयर जो गंदी लेयर थी, जो डैमेज लेयर थी स्किन की, जो डैमेज लेयर थी वो तो निकल गई ना, उसके बाद में वो निकल गई, तो आप अपनी जो आपकी एक फ्रेश स्किन निकली आपकी, उसको आप अच्छे से केयर कीजिए उसकी। हाँ, फेस ग्लो कर जाता है क्योंकि आपकी एक अंदर की लेयर निकलती है। ओके, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये आपके स्किन को ग्लो करती है या फिर आपके स्किन को गोरा कर देती है, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर की लेयर क्या है, चाहे वो कैसी भी हो, वही निकलेगी। अगर आपके जो भी दाग धब्बे थोड़े बहुत है ऊपर ऊपर से आप यूज करते हो तो वो एक लेयर निकलेगी, तो उसके संग में अगर दाग धब्बे निकलने होंगे या फिर अंदर तक आपके वो दाग धब्बे अंदर की स्किन तक ना हो तो वो फिर अगर ऊपर ऊपर की स्किन पे है तो वो दाग धब्बे भी निकल जाएंगे। तो इतना आप कर सकते हो इस क्रीम से। अदरवाइज अगर आप ऐसे चाह रहे हो कि क्रीम लगा के हमारी स्किन ग्लो हो जाएगी, हमारी स्किन शाइन हो जाएगी, एक नया ही निखार आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इसके साथ में क्या एक्सपीरियंस किया। चार महीने तक यूज़ साढ़े चार महीने यूज़ करी है, एंड पील ही हुई है और कुछ नहीं हुआ। अपनी स्किन जो नीचे की अपनी स्किन है, चाहे वो हेल्दी हो चाहे कैसी भी हो, वही निकली है। ये नहीं कि आपकी स्किन ग्लो कर गई हो, गोरी हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड तो गाइज, आप इस तरीके से तो यूज़ कर सकते हो उसको, काफ़ी अच्छी रहेगी। आप इसे यूज़ कीजिए, बाद में विटामिन सी यूज़ कीजिए। विटामिन सी की कोई क्रीम सिरम घर पर बना के यूज़ कर सकते हो या कैसे भी। ओके, तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, काफ़ी ग्लो करेगी। बट जब भी यूज़ कीजिएगा, अगर आपका फेस खराब हो जाए तो आप डरो ना, आपको बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप वर्किंग गर्ल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस कारण चला सकते हो। अगर आपका फेस खराब, पहले खराब ही होगा, ओके, पीलिंग काफ़ी होगी, आपको खुद अपने आप को देखना होगा कि मेरी इतनी पीलिंग हो गई तो मेरी एक लेयर निकल गई होगी, एक से डेढ़ महीने में निकल जाती है, फिर उसके बाद में आपको इसको छोड़नी पड़ेगी। आपको अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा, तब तो आपकी स्किन ग्लो रहेगी। अदरवाइज अगर आप स्किन का ध्यान नहीं रखते तो फिर दोबारा ही ऐसी डैमेज स्किन हो जाएगी, जो अंदर की लेयर निकली वो भी तो डैमेज होगी। तो इसलिए आपको अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखना है। इसके लगाने के बाद आपने ये यूज़ करी है, आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, आपके साथ में क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, ये मेरे साथ में शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। क्योंकि जो इसको ले रहा हो, लेने की बात नहीं, जो इसे यूज़ कर रहा हो, आपको पता है कि यूज़ करने के बाद में क्या क्या हो जाता है, तो जो इसे यूज़ करना चाह रहा हो तो उसको थोड़ी हेल्प हो सके। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल, एंड बाय बाय। Thank you.